और इसका पैर तो बहुत 3 महीने का प्रेग्नेंट है ना, 5 महीने का प्रेग्नेंट है। हे गाइस, वेलकम टू द साई द ब्लॉगर। मेरा नाम है साई। गाइस, आज हम आए हैं पगोड़ा में। ये जो पगोड़ा है ना, बोरीवली से थोड़ा दूर में है। बोरीवली से आप लोग को नज़दीक पड़ेगा, आपको रिक्शा पकड़ना पड़ेगा बोरीवली से, 30 रुपये पर सीट शेयरिंग में। और आप मीटर से भी आ सकते हो यहाँ पे। वहाँ से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का रास्ता है रिक्शा से। फिर आप लोग को ऐसे फेरी का टिकट लेना पड़ेगा, वो जो है 70 रुपीस रिटर्न के लिए पर सीट। हाय शिव, लाइक सब्सक्राइब। पूरा क्लीन एंड नीट रहेगा यहाँ पे, कुछ भी फेंका तो फाइन। चालू हुआ है अपना फेरी। हाँ, टेम्पल क्या अब यहाँ पे दिख रहे ना, वहाँ पे जा रहे पगोड़ा। गैस, यहाँ पे सबसे एक नंबर का आइडिया मस्त है, यही मेरे को अच्छा लगा। ये इससे बांधा हुआ है, यहाँ पे कुछ लकड़ी नहीं रखा, सिर्फ यहाँ पे एक ही रखा। देखो क्या मस्त आइडिया बनाए ये लोग। ये वे वो चुड़ वैशु पर। एक हम लोग मैक्सिमम पहुंच गए, यहाँ पे बहुत लोग तो आए। यहाँ पे फेरी का मैक्सिमम 10-15 मिनट का ही रास्ता फेरी से भी रिटर्न। यहाँ पे सिर्फ 6 बजे तक आना पड़ेगा, अच्छा रिटर्न जो है ना शाम को 6 बजे तक, तभी ही लास्ट रहेगा फेरी का, लास्ट फेरी। जैसे इधर एंट्री मारा ना भाई, रवि मेरी बहन खाने के लिए लाइन पे है। सारे के सारे बुक्कड़ लोग हैं, ये बड़ी बुक्कड़ है, ये वो दोनों बड़े बुक्कड़ लोग हैं। जैसा आया वहाँ पे भी खाई थी और यहाँ पे भी खा रही है, सिर्फ खाने के लिए पैदे हुए ये लोग तो। कितना आने सा? हाँ, जो खाने का बुक कार्ड। ये लोगों ने मुझे खाने भी नहीं दिए, पूरा 2 प्लेट लिए थे भजी पाव, दोनों खा लिए ये लोग ने, मेरे को थोड़ा ही दिए। और ये तो ये पागल है, पूरा खा लिया ये। इसके पेट, इसका पेट देख, इसका पेट कितना आगे आ गया, इसका पेट, इसका पेट देखो पूरा आगे आ गया। हाँ देख, मेरे पेट पूरा अंदर है। अरे इसका पेट तो बहुत, 3 महीने का प्रेग्नेंट है ना, 5 महीने का प्रेग्नेंट है।
पांच महीने का पेट आ गया इसका। यहाँ पे पूरा मजा यही है, बच्चा ले रहे कब से घुमा रहे उसको, घुमा घुमा के खेल रहे। वहाँ पे सिक्योरिटी रहता है, बैग चेकिंग रहता है, तो सबको चेकअप करने के बाद आप लोग मोबाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर आने के बाद पूरा ऐसे रहेगा। ये तो घूम घूम के चक्कर आ गए इसको। चलो अब अंदर चलते हैं। रा 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 शी इन दोनों को कुछ काम धंधा तो है ही नहीं, हमेशा फोटो में तो पड़े रहते। यहाँ पे जो शरीफ है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे शरीफ। अंदर एटीएम भी है, एटीएम से आप पैसे भी ड्रा कर सकते। इधर नीचे रहेगा एटीएम, उसके अंदर पैसे ड्रा कर सकते। सब लोग ध्यान करते हैं, अंदर ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं धीरे से बात कर रहा हूँ। अंदर से देखा जाएगा तो ऐसे दिखेगा आप लोग को ऊपर का चीज। जब मैं 5 ईयर्स बैक आया था ना, तभी इसमें ध्यान कर रहे थे मैक्सिमम 15 मिनट शायद, अभी याद नहीं है, मतलब 5 साल हो गए ना, ज़्यादा चीज नहीं था, मतलब बनाए हुए बहुत अच्छे से बनाए, डेवलप कर रहे पूरा। हम लोग अभी जाएंगे इधर व्हील धम्मा, व्हील ऑफ धम्मा। फंस गई, बच्चे को उतरने नहीं आ रहे।
इस बच्चे को उतरने नहीं आ रहा है, रो रही है। हाँ अटको हम लोग अब नीचे जाने के लिए उतरे। अब नीचे भी एक पार्क की तरह है ना, उसको विजिट करेंगे अभी। वो विजिट करने के बाद आधे घंटे के अंदर अभी निकलने वाला है यहाँ से। अभी टाइम बज रहे 3:30 बज रहे, 3 मिनट बाकी है। ठीक है, 4 बजे तक यहाँ से निकलने वाला है, फेरी को पकड़ने वाला है। ठीक है वैशु, सारी क्षेत्रपट को कट वैशु चिन्ह कट सालो बस। इधर एक वाटर किंगडम है, यहाँ पे 1500 रहेगा। मतलब यही थोड़ा देखने के लिए आया कि मतलब कितना रहेगा टिकट। 1180। ये साल में 3 बार क्या है? साल में 1450 का पासपोर्ट है, साल में 3 विजिट कर सकते हैं। फ्री से? फ्री से मतलब इतना पे करके? हाँ, एक बार वाटर किंगडम, 2 बार बर्ड पार्क। ओके, मतलब पूरे एक साथ नहीं देख सकते? पूरे एक साथ देख सकते हैं, नहीं मतलब साल में 3 बार आ सकते हो इसमें। देखो लिखा वही है, 3 ईयर मेरा भी एंटरटेनमेंट वीसा हो गया। तो किधर मिलते हैं टिकट, ऑनलाइन में है कि या यहाँ पे लेना पड़ेगा? अंदर है, यहीं पे। यहाँ पे क्या क्या रहते हैं यहाँ पे? मतलब लंच भी रहता है, लंच खाने के लिए? हाँ लंच रहता है, उसका अलग से मतलब अलग से पे करना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट लोगे तो इसमें थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। कितना रहेगा एक्चुअली प्राइस उसका खाने का अलग से? खाने में देखो अलग अलग वो रहती है ना, ये आपको जो पसंद है तो अलग अलग से, उसका कोई अमाउंट नहीं होता। ठीक है अच्छा, मैं तो अभी यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे वाटर किंगडम है। एक्चुअली हम लोग का प्लान था तो बहुत दूर दूर था ना, तो ये थोड़ा नज़दीक है, तो नेक्स्ट टाइम आने के बाद आए तो प्लानिंग करते हैं। पूरा ऐसी है क्या? हाँ ये सब लाइफ बड़ा बड़ा है ना। अच्छा लग रहा है मेरे को यार, और इधर शांति जगह पे बहुत लोग आते होंगे ना? यहाँ पे रूम्स भी है क्या स्टे करने के लिए? नहीं, रूम्स नहीं। तो कल सुबह से शाम तक टाइमिंग क्या है इसका? 10 से 6 PM। इसके बाद तो रूम्स से स्टे करने के लिए नहीं रहता? नहीं। थैंक यू। उधर क्या? ओके स्टाफ के लिए पापा।